दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी ने। मौजूद हैं दिल्ली के आईजे एयरपोर्ट पर। आपको बता दें कि इस पूरे एयरपोर्ट की जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और इस सुरक्षा को बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है एक अलर्ट का जारी होना। दरअसल जो है जेट एयरवेज के दफ्तर में एक शख्स ने फोन कॉल कर कहा था कि जेट एयरवेज की 5 फ्लाइट्स के अंदर जो है वो एक बम रखा गया है, और उस बम की सूचना जैसे ही जो है सुरक्षा एजेंसियों को दी गई, उसके बाद से एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर सुरक्षा गार्ड तैनाती जो है वो बढ़ा दी गई है, और जिस तरह से ये बम की सूचना मिली थी, हालांकि जब तक ये सूचना मिली थी तब तक 5 में से 3 जो फ्लाइट हैं वो लैंड कर चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी जो है जो फ्लाइट रास्ते में थी एक को जो है डाइवर्ट किया गया, और साथ ही जो आखिरी फ्लाइट थी चेन्नई जानी थी दिल्ली से, उसको दिल्ली एयरपोर्ट पर ही रोककर किस सघन तलाशी ली गई। हालांकि इस पूरी जांच के दौरान जो है कुछ भी नहीं पाया गया, और पाया गया कि कॉल जो है हॉक्स थी। इससे पहले भी जो है इस तरह की जो हॉक्स कॉल्स हैं वो आती रही हैं, और आपको बता दें कि अक्सर जो है जब त्योहारों का सीजन आता है, मौसम आता है, तो इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ जाती हैं, जिसके चलते सुरक्षा एजेंसी किसी तरह की चूक जो है वो नहीं देने जाती। और हाल ही में जैसे कि मंगलवार को बेल्जियम की राजधानी में जो है बम धमाके हुए हैं, उसको देखते हुए सुरक्षा एजेंसी और भी ज़्यादा अलर्ट हो गई हैं और किसी भी तरह की सुरक्षा में जो है कोताही नहीं बरतना चाहती। कैमरा पर्सन प्रवेश के साथ जितेंद्र भाटी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।